हेलो एवरीवन, ब्राउनी तो सभी को पसंद आती है ना, तो क्यों ना आज हम ब्राउनी हेल्दी तरीके से बनाएं। तो आइए आज हम बनाएंगे मिलेट ब्राउनी। जी हाँ दोस्तों, इसे हम बनाएंगे रागी फ्लार से, यानी इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बिना चीनी बिना चॉकलेट कंपाउंड के इसे बनाएंगे। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट केक है ये, क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें यूज़ की गई है। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और एकदम बेकरी स्टाइल डिलीशियस ब्राउनी बनकर तैयार होती है। तो आई होप दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम ले लेंगे 1/4 कप बटर। यहाँ पे बटर को मैंने मेल्ट करके लिया है, बटर की जगह यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप गुड़ का पाउडर या ग्रेट किया हुआ गुड़, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप वार्म मिल्क, मतलब हल्का सा गुनगुना गर्म दूध इसमें डालना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि गुड़ जो है ये गर्म दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर दूध ठंडा रहेगा तो गुड़ को मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुड़ अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले एक छन्नी रख लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप रागी का आटा। इसमें अब हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून डार्क कोको पाउडर। डार्क कोको पाउडर डालने से क्या होगा, इसमें चॉकलेट कंपाउंड नहीं डालना पड़ेगा और कलर एकदम डार्क आएगा ब्राउनी का। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड करेंगे। और अब सारी चीज़ों को छान लेंगे। रागी को इंग्लिश में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। तो छानने के बाद अब इसमें ऐड करना है हमें 1/2 टीस्पून के लगभग वनीला एसेंस। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे स्पैचुला से मैं कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो बीटर से भी कर सकते हैं। और अब इसको बीट करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो गया है ब्राउनी के लिए। इसमें और एक्स्ट्रा दूध डालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है, 1/2 कप दूध में ही। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चॉप किया हुआ वॉलनट, क्योंकि ब्राउनी में वॉलनट डालना तो बनता ही है, तो वॉलनट यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके पास अगर वॉलनट ना हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं चॉप करके। और ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 8x8 इंच का एक स्क्वायर केक टिन, इसको अच्छे से ग्रीस करके लाइन कर लेंगे। तो लाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इकोबेक, आपके पास जो भी पार्चमेंट पेपर बेकिंग पेपर हो आप ले सकते हैं। और अगर कुछ भी ना हो तो आप सिंपली इसे आटे से या रागी फ्लार से ही डस्ट कर दीजिए ग्रीस करने के बाद, वो भी आसानी से काम करेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने केक टिन को रेडी कर लिया है। तो अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपना केक का बैटर। केक का बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे, बैटर को केक टिन में अच्छे से फैला देंगे। और अब इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ वॉलनट। तो 2 से 3 टेबलस्पून वॉलनट यहाँ पे हम इसके ऊपर इस तरीके से सजा देंगे। और अब हम केक को रखेंगे प्री हीट किए हुए ओवन में। तो यहाँ पे मैं आज अगारो का 48 लीटर OTG यूज़ कर रही हूँ इस केक को बेक करने के लिए। आपको मैं इसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों OTG को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री तक 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। और अब केक को हम इसमें रख देंगे और इसको बेक होने देंगे 30 से 35 मिनट तक 180 डिग्री पर। 180 डिग्री टेम्परेचर है और दोनों रॉड्स ऑन रखे हैं मैंने, और केक को मैंने मिडल रैक पर रखा है बेक होने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट हो चुका है केक को बेक करते हुए, केक अच्छे से बेक हो गया है। इसको अब निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ब्राउनी तैयार हुआ है। इसको नाइफ़ से चेक कर लेंगे, नाइफ़ पर बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। अब हम केक को ठंडा होने देंगे। ये देखिए केक हमारा कितना बढ़िया तैयार हुआ है, ब्राउनी बहुत बढ़िया बना है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रैक्स भी आ गए हैं। और अब हम ठंडे होने के बाद ब्राउनी को केक टिन से निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम बेकरी स्टाइल ब्राउनी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब इसको हम स्क्वायर्स में कट करके सर्व करेंगे। तो बड़ा या छोटा जैसा आपको मन करे आप उतना बड़ा पीस इसमें से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बहुत ही बढ़िया लाजवाब मिलेट ब्राउनी बनकर तैयार है। देखने से कहीं भी आपको लग रहा है कि इसमें मैदा या आटा नहीं यूज़ किया गया है, तो एकदम बेहतरीन हेल्दी और टेस्टी ब्राउनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों है ना बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्दी केक है ये, क्योंकि इसमें ना हमने शुगर ऐड किया है ना इसमें हमने मैदा या आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो इस ब्राउनी को 35 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया मिलेट की ब्राउनी हमने बनाकर तैयार की है। तो आइए एक ब्राउनी को हम टेस्ट करते हैं
आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा टेक्सचर आया है ब्राउनी का, और एकदम बेकरी स्टाइल ब्राउनी बनी है ना। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।